अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली मेम्बर्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नाज़िश नय्यर। आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने लगी हूँ वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मैं मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगाऊंगी और उसकी अपडेट आपको कुछ दिखाऊंगी। ये है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स, ठीक है। देखें ब्लैक कलर के ये सीड्स हैं। ये इसको हम मट्टी में, ये सिंपल फल मट्टी है, सिंपल फल मट्टी है, इसमें लेके मॉर्निंग ग्लोरी की मिक्स है, ठीक है। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के मिक्स सीड्स हैं, ये सिंपल भर मट्टी है, उसमें लेके इसको बिखेर दिया हमने। कोशिश करें पास पास ना गिरे और दूर दूर हमने, ताकि प्लांट सही से निकल आए। इस तरह करके हमने इनको सिंपल भर मट्टी लेनी है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, ठीक है। वो लेके हमने इसको सबको बिखेर दिया। बिखेर के उसके बाद हमने, आपके पास कुछ भी है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। मेरे पास इस वक्त वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो मैं सिंपल फल मट्टी ही डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखें, देखिए ऊपर इतना कवर कर देना है कि ये जो हमारे बीज हैं वो हमारे सारे कवर हो जाए। और बस इसको पानी देके आपने इसको पहले शॉपर से कवर करना है। तीन दिन इसको शॉपर से कवर किया, उसके बाद में से इसमें से कुछ सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर इसको हमने धूप में रख दिया, फिर इसको हमने इसको रखना, वैसे भी शॉपर में लगा के भी इसको धूप में ही रखना है, इसको छाँव में नहीं रखना, ठीक है। फिर धूप में रखे, जब इसकी सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी तो फिर आप इसका शॉपर हटा दीजिएगा और इसको फुल सनलाइट में ही रखिएगा, ठीक है। ये मैंने सीड्स लगा दिए। अब आप ये देखें, ये मैंने लगाए थे, 10 लगाए थे, उसका आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी, मैं इसको चेंज करने में, रिपोर्ट करने में लेट हो गई हूँ। मुझे इसको आइडियली एक हफ्ता पहले इसको मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, पॉट को बड़े पॉट में लगा लेना चाहिए था। मॉर्निंग ग्लोरी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे से इसमें फ्लावरिंग के बर्ड्स आना शुरू हो चुके हुए हैं, लेकिन ये अभी इस प्लांट के लिए फ्लावरिंग के बर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पिंच कर देंगे। हम सारे फ्लावरिंग बर्ड्स को, जितने भी, अगर आप छोटी उम्र से ही प्लांट्स की बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो उसको पिंच कर दीजिए, वो प्लांट्स की हेल्थ को रोक देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको, इसके जो येलो लीव्स हो चुके हुए हैं, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, ये सिंपल मिट्टी में बीज लगे हुए हैं, इसको कोई खुराक नहीं मिल रही, सिंपल पानी हवा और मिट्टी और धूप के साथ ही ये बड़े हुए हैं, तो अब इनको खुराक की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इनको खुराक देने के लिए मैंने, ये देखिए, एक मैंने ये भल पॉट लिया है, इसी अपनी बाल्टी है ये पेंट वाली जो, उसको कलर कर लिया, उसमें सिंपल भल मट्टी डाली, अपनी भल मट्टी डाल के मैंने इसमें डाला है, थोड़े से इसमें मैंने डाले हैं अंडे के छिलकों को ग्राइंड करके डाला है, पत्ती डाली है। जो अंडे के छिलके हैं वो हमें फ़ौरन जो है ना असर नहीं दिखाते, वो ड्रिप इरिगेशन की तरह काम करते हैं, कि जब बाद में प्लांट बड़ा होता है और उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर जाती हैं, फिर जो थोड़े टाइम के बाद अंडों के छिलकों का काम शुरू होता है, जब तक हमारी प्लांट के ये जड़ें अंदर तक जाएंगी उसका काम शुरू हो जाएगा। तो उसमें मैंने वो डाला है, डालने के बाद अब मैं इसमें देखें थोड़ी सी मैं काउडंग, डीकम्पोज, बिल्कुल डीकम्पोज काउडंग है ये, बिल्कुल मिट्टी की तरह ही लग रही है, वो डालूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ अपनी पत्तों की खाद, ठीक है। ये पत्तों की खाद डाल के, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये इसमें पत्तों की खाद बहुत अच्छी रहती है, और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। इसमें चाय की पत्ती है, इसमें अंडों के छिलके हैं, इसमें डीकम्पोस्ट काउडंक है, और इसमें है लीफ कंपोस्ट, ठीक है। लीफ कंपोस्ट और भल मट्टी, इन सब का बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना लिया और इनको हमने अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर दिया। देखिए ये एक मैं डंडा इसमें लगा रही हूँ, ये डंडा मैंने खुद से ही बनाया था, कॉर्ड स्टिक है ये, और ये स्टिक मैंने अपने नारियल के बुरादे से खुद से ही तैयार की हुई है। ये मैंने लास्ट ईयर तैयार की थी, तैयार करके रख दी थी कि जहाँ इसको ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगी। ये देखें, इस स्टिक को मैंने पहले इस पॉट के अंदर लगा दिया है, क्योंकि जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो बेल है और बेल की तरह ऊपर चढ़ेगी, तो मैं चाहती हूँ कि बाद में जो इसकी जड़ें ख़राब ना हो, इसको पहले से ही इसके साथ लगा दूँ, ताकि बाद में मेरा प्लांट सेफ रहे। और जब, जैसे ही अब इसके साथ इसको देखें, ये इसकी बेल जो ना देखें चढ़ना शुरू हो गई है, तो जैसे ही इसको स्टिक मिलेगी ये साथ ही साथ बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने इसमें लगाना कैसे है, ये देखिए, ये है, इसको हमने पटकना है इस मिट्टी में, ज़मीन में।
करके देखें, ये हमारे पास पूरा निकल आया, ठीक है, निकल आया। अब हमने इसको, और ये काम आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है शाम के टाइम करना है, जब सूरज ढलना शुरू हो जाए तब, सुबह के टाइम नहीं करना। अगर सुबह के टाइम कर भी रहे हैं तो इसको फिर छांव की जगह पे रखिएगा और धूप में ना रखिएगा। इसको हमने सारे प्लांट्स को अलग कर लिया। इसको क्या करना है, इसको स्टिक से हमें हटा के रखना है, हमें इसको स्टिक के साथ नहीं लगाना, ठीक है। ये जो पाइप नज़र आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये फुल कवर हो जाएगा अपनी बेल्स के साथ, तो हमें ये पाइप नज़र नहीं आएगा। बहुत नीचे तक वो लगाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेल्स ने आ जाना होता है और फिर नीचे बेल की जड़ें होती हैं और वो मुस्तकिल अगर पानी के साथ कॉयल स्टिक में पानी जमा हो जाता है और वो पानी के साथ लगती रहेंगी, तो जो हमारे प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल नीचे एंड में कॉस्टिक ने वो जो नारियल का बुरादा है वो नहीं लगाती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर कर करके लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से करके आपने बेलों को देखें, ये यूँ जड़ें लगाई और उसको पानी के, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, और हल्के हाथों के साथ उसको यूँ बिल्कुल कवर कर देना ताकि हमारा प्लांट जो है वो सिक्योर हो जाए, वो हिले ना अपनी जगह से। ये अब मैंने सारे लगा दिए, अब मैं इसके बाद इसमें पानी दे रही हूँ, ठीक है। पानी देने के बाद अब हम इसके एक हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि एक हफ्ते के में बेल्स कितनी बढ़ गई हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये मेरा है 8 दिन का रिज़ल्ट। 8 दिन में जो मैंने सीड्स सो किए थे, ये उनका रिज़ल्ट है। देखिए कितनी अच्छी, 8 दिन में पनीरी तैयार हो चुकी हुई है। आज ये 9वां दिन है मेरा इसको, ठीक है। और उसके बाद में अब ये देखिए कि ये मैंने जो पनीरी शिफ्ट की थी वो देख लीजिए। अच्छा, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स निकलना शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि इसका टाइम हो रहा है 12 बजे का, तो फ्लावर्स जो हैं इसके मुरझा गए हैं। ये 1 डे के लिए फ्लावर्स निकलते हैं, डेली के डेली फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें आप बर्ड्स देख लीजिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स हैं। अभी मैं डेली की इसकी बर्ड्स जो हैं वो पिंच कर देती हूँ। अब ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैंने पिंच कर देना है, इस तरह से पिंच कर दूँगी। ये फ्लावर है, इसको पिंच कर दूँगी मैं, तो ऊपर की जो छोटी वाली, ये वाली जो छोटी बर्ड्स होती हैं इनको भी पिंच कर देती हूँ। फिर इसके बाद से यहाँ से हेल्दी बर्ड्स निकलेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये एक सेकेंड है जिसको मैंने बाल्टी में लगाया था, इसका रिज़ल्ट देख लीजिए। ये एक हेल्दी प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। 9th है आज इसका, समझते 8 दिन गुजरने के बाद आज इसका 9वां दिन है। तो इसके फूल, इसकी जो केयर है वो ये है कि इसको बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें। जो दोपहर की जो तपती धूप होती है ना गर्मियों में, तो उसमें आप इस प्लांट को मत रखिए। ये मैंने इसके साथ एक स्टिक लगा दी हुई है, गर्मियों की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसको ना रखें। इसको आप सिर्फ सुबह के 2 से 3 घंटे की धूप दें तो इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा जब सुबह सुबह आप आते हैं तो ये आपको फ्लावर्स ऐसे लगता है जैसे आपको फ्लावर्स गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, इसके कितने अच्छे हेल्दी इसके वो हो चुके हुए हैं, इसके कितने अच्छे इसके लीव्स निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं। आगे 1-2 दिन के बाद का आपको और रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये है हमारा 1 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट। तो 1-2 दिन में तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी कोई भी इम्प्रूवमेंट, तो मैंने इसका 1 वीक भी वेट किया था। अब आप इसकी सॉइल को देख रहे हैं, सॉइल बिल्कुल ड्राई है। जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो तब मैं इसको पानी देती हूँ, और इसका जब हल्की सी दोपहर में धूप पड़ती है तो इसके जो लीव्स होते हैं बिल्कुल कमला से जाते हैं, बिल्कुल इसके एकदम से ढलक जाते हैं। लेकिन जब हम इसको वाटर देते हैं, फ्रेश वाटर देते हैं और इसकी मिट्टी को नम कर देते हैं तो लीव्स दोबारा से अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और अब इसके लीव्स जैसे जैसे इसके लीव्स मुरझा जाएँ तो उनको आप पिंच करते जाइए ताकि नए लीव्स आना शुरू हो जाएँ उनकी जगह के ऊपर। तो और लीव्स में से ये लीव्स कुछ येलो भी हो रहे हैं, जो क्योंकि मैंने इनके ऊपर अभी कोई स्प्रे नहीं किया है तो उसकी वजह से कुछ लीव्स येलो भी हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाकी कॉर्स्टिक मैंने ये सारी कॉर्स्टिक
खुद से तैयार की हुई हैं, तो खुद से तैयार करके स्टिक्स में इनको पॉट्स में लगाया हुआ है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट मिला वो मुझे मिट्टी के पॉट में अच्छा रिज़ल्ट मिला। मिट्टी के पॉट में जो है प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। प्लास्टिक पॉट में ग्रोथ हो रही है लेकिन उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से क्योंकि उसमें पानी रह जाता है, पानी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक मैंने जो होल किए थे वो शायद छोटे किए थे, जिसकी वजह से पानी उसमें जो है ना पूरा गुजर नहीं होता। तो अब इसको आप दीवार के ऊपर भी वॉल के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, ये देख लीजिए आप, ये वॉल के ऊपर चढ़ गया। ये अभी बहुत इनकी मतलब 15 दिन का ही इनका ऐसा रिज़ल्ट है, और 15 दिन में माशाल्लाह आप इनकी लीव्स देखिए और इनके आप फ्लावर्स देखिए, इनकी बर्ड्स देखिए, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। और जब इनके लीव्स अच्छे फ्लावर्स आना शुरू हो जाएं तो इसी में से आप इसके जो है ना सीड्स ले लीजिए, इसी में से आप इसके सीड्स लेके वो आप इसको सो कर सकते हैं, जिससे आपकी नेक्स्ट पनीरी बन सकती है। और एक दफ़ा आप ये प्लांट घर में लेके आ जाएं तो आप हमेशा इस प्लांट को अपने पास रख सकते हैं, हर दफ़ा इसके सीड्स सेव कीजिए। ये देखिए, ये मैंने कुछ सीड्स निकले थे फ्लावर्स में से, वो मैंने नीचे लगा दिए थे जिसकी पनीरी निकल आई थी। तो आप बस फ्लावर्स में से सीड्स निकले उनको अपने पास सेव कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर फिर लगा दीजिए, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है और हमारी जगह पे सीजनल है और कुछ जगह पे ये परमानेंट है जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा आनी पड़ती। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।